हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो यहाँ पे देखिए, भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे देखिए कांस्टेबल जीडी का यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे देखिए फॉर्म को यहाँ पे निकाल दिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसमें बताते चलें कि अगर आप कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देखिए इसका जो है फॉर्म आ चुका है, जिसका डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। देखिए जो है, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हो। सबसे पहले बताते हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होने वाला है। तो 27/10/2022 से लेके 30/11/2022 तक इसका हम लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बताते चले इसमें लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट इसका कब तक है। तो वहां पे देखिए 30/11 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। देखिए इसका लास्ट पेमेंट कब तक करना होगा, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, तो उसका देखिए 1/12/2022 तक इसका जो है आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कब लेने वाला है एग्जाम, तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो जनवरी 2023 में होने वाला है। तो इसमें बताया चले क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैसे करेंगे अप्लाई। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। टोटल पोस्ट ऑफ सीट दी गई है, आप चेक कर लेना। देखिए आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो कि आप पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए हमारा जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हमें होना चाहिए क्वालिफिकेशन। तो देखिए मिनिमम जो है हमारा 10th हम एग्जामिनेशन पास होने चाहिए, तो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से हम 10th पास होने चाहिए। तो देखिए अगर हमारा 10th होता है तो हम इसके लिए एप्लीकेबल होते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारा दिया गया है, मैक्सिमम आप जो भी यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो मेंशन कर देना। देखिए यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट होल्डर्स अगर होते हो, जैसे कि एनसीसी, एनसीसीबी, एनसीसी ए अगर आपका होता है, तो यहाँ पे देखिए एनसीसी के लिए 5% बोनस ऑफ एग्जामिनेशन में दिया जाता है, यानी कि 5% जो मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में यहाँ पे बोनस मार्क मिलेगा। उसके बाद हम बताते चले इसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे करेंगे अप्लाई, आप देख लेना। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए आप कहाँ के रहने वाले हो, उस रीजन का भरना। देखिए हमारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा सिर्फ 4 सेक्शन से पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। टोटल आपका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटा का दिया जाएगा। सेकेंड जो इसमें सेक्शन होता है उसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। उसके बाद थर्ड जो है इसमें सेक्शन सी जो होता है यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन करा जाएगा। उसके बाद जो है जो सेक्शन डी होता है, यानी कि पार्ट डी होता है, उसमें या तो इंग्लिश हिंदी होता है, तो आपको वहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एवरी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पीएटी टेस्ट होने वाला है, यानी कि फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट करना होगा, जिसमें कि 5 किलोमीटर दौड़ना होगा हमें 24 मिनट में मेल के लिए, फीमेल और फीमेल की बात करते हैं तो 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। चलिए और इसमें देखिए मैं बताती हूँ क्या इसमें हमारी हाइट होनी चाहिए। हाइट हमारी जो है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होने चाहिए। इसके बाद देखिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जैसे कि और नोटिफिकेशन आती है, अपडेट आती है, मैं आपको इन्फॉर्म कराऊंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मुझे फॉलो करना, बिकॉज कोई नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराती हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।